मैं रीट लेवल 2 से हूँ और मेरे रीट में नंबर थे 135, जो बहुत मेहनत के बाद मैंने लिए थे। 3 साल तक एक कमरे में बंद रह के दिन रात हमने कैसे स्टडी की थी वो या तो हम जानते हैं या हमारे मम्मी पापा जानते हैं। मुख्यमंत्री जी, आपने घोषणा की थी, तब से हम एक बहुत जोश के साथ पढ़ रहे थे कि इस बार हमें कोई नहीं रोक सकता, हम इस बार ज़रूर सिलेक्शन लेंगे, ये कहकर हम बढ़ते रहते थे। हम कोई बहुत बड़े घराने से नहीं हैं, हमारे पापा कैसे हमारी फीस भरते थे वो हम जानते हैं। कल आपने एक सेकंड में कह दिया कि परीक्षा रद्द, ये कि शब्द रद्द ने हमने कहाँ तक तोड़ दिया था ये आप नहीं जानते, क्योंकि आपके लिए सिर्फ परीक्षा हो सकती है लेकिन बहुत से परिवारों की खुशियाँ थी इसमें। कितने गरीबों के सपने थे, कितनों की उम्मीदें थी कि आप नहीं समझ सकते। आप बताइए उस सर्टिफिकेट का हम क्या करें, जिसको हमने तो लेमिनेशन करवा के रख रखा, क्या करें इसका आप बताओ हमें। आप कुछ ज़्यादा, आपने एक सेकंड में कह दिया कि हम 2 परीक्षाएं करवाएंगे, आप बताओ इतने कम टाइम में हम 2 परीक्षाओं की तैयारी कैसे करेंगे। कम से कम इसको पात्रता परीक्षा तो बना देते हैं ताकि हम दूसरे पेपर की तैयारी अच्छे से कर पाते। हम तो इसमें अच्छे अंक लेकर ये सोच कर बैठे थे कि अब सेकेंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की करेंगे। सेकेंड ग्रेड की फ़ीस जमा करा दी, 23,000 हमने फीस जमा करवा रखी है, तो 4 महीने आपने क्यों बर्बाद किए थे। जब रद्द ही करना था तो दूसरे दिन कर सकते थे, क्योंकि पेपर में कितना क्या कुछ हुआ था वो तो दूसरे दिन पता लग गया था। आपने ये सही तो नहीं किया, जो भी फैसला है इस पर भी आप पुनर्विचार करिए प्लीज़। इतने कम टाइम में 2 परीक्षाएं, नया सिलेबस कैसे कर पाएंगे हम सब, और रद्द करना सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। आप इसकी जांच करवाते जो इसके अंदर थे, चाहे वो बच्चे थे, चाहे वो मंत्री थे, चाहे वो ऑफिसर थे, उन पर कार्रवाई करते, नहीं की आपने। 300 बच्चों को आप बता रहे थे, उनके नाम तक नहीं बताया आपने, क्या उन पर कार्रवाई की कि ये नहीं बताया। तो आने वाले टाइम में आपको लगता है ये चीज़ रुक जाएगी, नहीं रुकेगी। आप उन पर कड़ी कार्रवाई करते ताकि आगे पेपर देने वाला और लेने वाला 1,000 बार सोचता। प्लीज़ आपने जो भी बात बोली है उस पर थोड़ा सा विचार कीजिए, और सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए कुछ फैसला ले लीजिए प्लीज़।